आज पूरा देश उनकी पुण्यतिथि, उनकी 73वीं पुण्यतिथि मना रहा है। वास्तव में इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो देश को एक स्वच्छता का संदेश दिया था, उस स्वच्छता के कार्य को इस देश में आगे बढ़ाने का कार्य अगर कोई कर रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के ही कारण आज पूरे देश में स्वच्छता अभियान एक प्रतिस्पर्धा के रूप में चल रहा है। आज हम श्रद्धेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और जो उन्होंने एक देश को एकता अखंडता का जो संदेश दिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी नई पीढ़ी करेगी। हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलें, और जो उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया था उसको लेकर हमारा भोपाल शहर काफ़ी गंभीर है। हम लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार पूरे देश में साफ सफाई व्यवस्था में दूसरे नंबर पर आए हैं। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड हमको मिला है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में हम हमारे पूरे भोपाल को साफ सुथरा रखेंगे और हर हालत में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हम हमारे भोपाल को देश में साफ सफाई व्यवस्था में नंबर 1 पे लाने का प्रयास करेंगे।